हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं उर्मिला, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सेव की रेसिपी, और ये बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होती है और इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है, और जिसे भी नहीं आती है वो भी इसे बना सकता है एकदम। देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है इसकी, कितनी क्रिस्पी बनी है ये हमारी सेव की नमकीन। अगर फ्रेंड रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और मैं इस तरीके से और भी रेसिपी बना सकूं, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना। चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी, हमने इसे कैसे बनाया है। हमने मेजरमेंट के लिए नॉर्मल कॉफ़ी का कप लिया है, और हमने एक कप इसी कप से चावल का आटा ले लिया है, और सेम इसी कप से हम बेसन भी ले लेंगे। इक्वल क्वांटिटी में हमें लेना है इसे। अब हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लेना है आपको, और इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, रोस्टेड अजवाइन पाउडर 1 टेबल स्पून, खाना सोडा 1 पिंच, हींग 1 पिंच, और साथ ही इसमें ऑयल डाल लेंगे। इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे 1 टेबल स्पून। हल्दी डालने से इसका कलर अच्छा आ जाता है, और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी लेके हमें सॉफ्ट आटा लगाना है। इसका डो हम जो तैयार करेंगे वो बिल्कुल सॉफ्ट होगा, नॉर्मल आटे से ज़्यादा सॉफ्ट होता है वो। अगर आपका आटा हल्का सा गीला हो जाए तो आप इसमें 1 टेबल स्पून बेसन और 1 टेबल स्पून चावल का आटा मिला सकते हो। मसालों की क्वांटिटी आप थोड़ी सी बढ़ा लें। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका मैं बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगा दिया है मैंने। इस तरीके से आपको आटा लगाना है। अगर इसका आटा अच्छा लग गया तो हमारी ये सेव बहुत ही परफेक्ट बनती है, मुंह में डालते ही ऐसे खुल घुल जाती है। अब हम ऊपर से ऑयल लगा देते हैं इस पर, और जो हमारे ये नॉर्मल सांचा लिया है ये सभी के घर में मिल जाता है आसानी से, और ये मार्केट में भी मिल जाता है। इसमें हम ग्रीस कर लेंगे ऑयल से, जिससे ये हमारा जो डो है वो इसमें चिपके नहीं। अब इस डो को हम इसमें डाल देंगे। डो के इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस कर लें और इस सांचे में डाल देंगे हम। ध्यान रखें फ्रेंड्स, अजवाइन को आपको साबुत नहीं लेना है, पाउडर फॉर्म में ही लेना है। उसे रोस्ट कर लें, उसे पीस के लेना है। एक तो उसकी खुशबू अच्छी हो जाती है, दूसरा नमकीन में टेस्ट भी आ जाता है काफ़ी अच्छा। अब इसे बंद कर लेते हैं। हमने ऑयल पहले से ही रख दिया था, ऑयल हमारा हीट हो चुका है। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, इसको इस तरीके से किनारों से होते हुए डालना है, और अपने हाथ को थोड़ा सा ऊपर रखना है, वरना भाप से ये हाथों में जलने का खतरा होता है। इस प्रोसेस को आप ध्यान से करें, और इस टाइम पे हमें गैस फ्लेम को
लो मीडियम कर देना है, जिससे कि हमारी ये जले नहीं। अगर आपकी गैस फ्लेम हाई रहेगा तो ऑयल हमारा हाई हो जाएगा, जिससे कि ना डालते ही जल जाती हैं सेव। बस इस प्रोसेस पे इस चीज़ का ध्यान रखें। और जब हम सेब को डाल लेते हैं तो हमें इसे बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। जब इसके बबल्स ख़त्म हो जाएंगे तब हम इसे पलट देना है इस तरीके से, हल्के हाथों से। और इसे हम हल्के हाथों से पलट देंगे और दूसरी साइड से भी सेम प्रोसेस से हम बबल्स आने बंद हो जाएंगे जब तक हम इसे सिकने देंगे। उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे सेब सिक रेडी हो चुके हैं। इसका कितना अच्छा कलर आया है। अब इसे निकाल लेते हैं एक टिश्यू पेपर पर, जिससे इसका एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाएगा। और दूसरा बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से किनारे से डालते हुए हमें बनाना है दूसरे सेब को। ये देखिए अभी एक साइड से सिक चुका है, अब पलट कर हम दूसरी साइड से सेक लेंगे इसे। इसी तरह निकाल लेंगे, इसी तरह हम और भी बना लेंगे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे सेब रेडी हो चुके हैं। कितना अच्छा कलर आया है हमारे सेब का। बस इसे बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि इसका आटा सॉफ्ट लगा हो और इसमें जो अजवाइन हमने डाली है उसका पाउडर हो, और इसे हमें बिल्कुल मीडियम गैस फ्लेम पे सेकना है। और हमारे सेब बहुत ही अच्छे बढ़िया बन के तैयार हो गए हैं। फ्रेंड्स, अगर रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।